अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है भाई मंगल का दिन, इस वक्त बज रहे हैं 10:30। आज मैंने व्लॉग शुरू दिन में नहीं बनाया क्योंकि बहुत बिजी रहा, सारा दिन काम वाम पे रहे। और अभी मैं घर आया हूँ, रोटियां बनानी है, रोटियां बना रहे हैं हम। और आज हमारे यहाँ बन रहे हैं हमारे क्या बन रहे हैं, चपली कबाब, पिशावरी चपली कबाब। और तलहा पिशावरी चपली कबाब बनाने में एक्सपर्ट है क्योंकि तलहा ने पिशावर के अंदर 10 साल गुजारे। अकॉर्डिंग टू तलहा पिशावर में 10 साल रह के जा चुका। और हर हफ्ते सैटरडे वाले दिन हम कबाब खाते थे हॉस्टल में। कहाँ? हमारे हॉस्टल के बाद। नाम बताओ, दुकान का नाम बताओ ना, जिस किसके कबाब खाते थे पिशावर में। हमारा हॉस्टल जिस एरिया में था वहाँ पे एक बहुत पुराना धोबी घाट था, तो वहाँ की हर दुकान धोबी घाट के नाम से मशहूर थी। धोबी घाट चाय वाला, धोबी घाट कबाब वाला। ओके, तो तला ने धोबी घाट के चाय कबाब वाले कबाब खाए ना, तो तला जो है वो कह रहा है कि मैं बनाने में भी मास्टर हो गया, तुम बना के रहा था आज। तुम नहीं, मैं अभी जब मैं चपली कबाब तल रहा था ऐसे करके तुमने बोला मैं बनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा बनाएगा, नहीं फ्राई करके ये खोलो, मतलब उनको शेप देना तला हुआ था। तो खैर आज माशाल्लाह से मौसम अच्छा था, हमारे यहाँ काफी धूप वूप निकली हुई थी, तो बस उसके अंदर यह है कि हमें मजा आया आज। मतलब बर्फ पड़ी है, सर्दियाँ आ गई हैं, ऑलमोस्ट गर्मियाँ जा रही हैं, ये आखिरी एक दो दिन है, उसके अलावा बस फिर ये दोबारा सर्दियाँ आने वाली है। दो मैक्सिमम 3 से 4 दिन मुझे लगता है कि सर्दियाँ आ जाएगी। तो खैर अभी खाना वाना खाते हैं, खाना खा के इंशाल्लाह खाना बन जाता है, जब चपली कबाब बन जाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा अपने। और फिर आप लोगों के सवाल हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों ने वीडियो को इतना देखने के लिए, इतनी मोहब्बत देने के लिए। तो अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ये हमारे चल रहे हैं भाई चपली कबाब, ये बन गए हैं, इसकी थोड़ी सी शेप खराब हो गई क्योंकि ये हमारा बनाने वाला जो है ना, ये बिल्कुल अच्छे कबाब नहीं बना रहा है, तो मैं पिशावर से हूँ, 10 साल मैंने गुजारे हैं। तो आपने बोला तुम पिशावर से नहीं हो, उसका जवाब दिया मैंने। वैसे तो तुम वाकई पिशावर से नहीं हो, तुम अटक से हो। नहीं, कोहाट से, सॉरी कोहाट। ये हमारा सही बावर्ची नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सॉरी भाई, वीडियो ज़रा भी रेगुलर आ नहीं रही हैं, थोड़ा सा मैं भी बीमार चमार चल रहा हूँ, थोड़ा सा थकन थी तो बस वही उतार रहे थे। इंशाल्लाह अब जो है वो वीडियोस जो है आप लोगों के लिए रेगुलर आएंगी। सबसे पहले मेरी लास्ट जो मैंने वो डाली थी वीडियोस के ऊपर जवाब सवालात थे, तो वो मैंने नहीं दिए थे, तो देखते हैं आप लोगों के सवाल। सबसे पहले मोहम्मद असलम, माशाल्लाह बहुत खूब, थैंक यू सर, थैंक यू। अरीबा अयूब, जजाकल्ला, आपके ज़रिए हमें भी अपार्टमेंट देख लिया, थैंक यू सो मच। जाविया इंस्ट्रक्टिव स्फेयर, अनाबिया जहरा, इस्लामिक पाकिस्तान, सलाम भाई आप क्या काम करते हैं। मैं वोल्ड करता हूँ। शहजाद फेती, कितना टाइम लगता है वोल्ड एंड फेडोरा का अकाउंट खोलने में, इनके इलेक्ट्रिक साइकिल या कार से अप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क आता है अकाउंट ओपन होने में, मीन्स जल्दी ओपन व्हीकल के लिए। सॉरी बाल आ गया। व्हीकल वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप कार के लिए करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, स्कूटर के लिए करेंगे तो लेट मिलेगा, या उसके लिए जल्दी मिल जाएगा उसके लिए लेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम बहुत लग रहा है, मुझे खुद 1 साल हो गया अप्लाई किए हुए, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो सॉरी, तो अकाउंट्स अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, मतलब आप रहने ही दें, मतलब ये वाली चीज़ के 5-6 महीने में आपको मिल जाएगा। अभी की कंडीशंस के हिसाब से आप रखें, 1.5-2 साल बाद, 2.5 साल बाद कहीं जाके आपको अकाउंट मिला तो मिलेगा, वरना तो भाई बहुत प्रॉब्लम चल रही है। नूर भाई, कदीर भाई, फिनलैंड अपॉइंटमेंट का मसला कब हल होगा। ये अभी हल नहीं होगा यार, रीज़न ये है कि अब बहुत ज़्यादा लोग होगा, अब और भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मसला हल होगा, ये और इसी तरह से शायद थोड़ा सा उसी तरफ जाता रहेगा, बट ये हल नहीं होगा। अली फैजान ने कहा, माय अपॉइंटमेंट विल बी ऑन 4 सितंबर, लास्ट डेट टू रीच लूथ इज 15 सितंबर, कैन आई रीच ऑन टाइम ऑन। नहीं भाई, आप नहीं आ सकते, 5 सितंबर को आपकी अपॉइंटमेंट है, 4 सितंबर को आपकी अपॉइंटमेंट है, आप जाके इंटरव्यू देंगे और उसके बाद फिर आपको तकरीबन 40-45 दिन लगते हैं, सब कुछ भी अगर जल्दी भी होता है तो 40-45 दिन लगते हैं, वीज़ा वगैरह आना और ये करना वो करना।
तो बेहतर ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म ज़रूर करें इस मामले में, और फिर वो क्या कहती हैं वो आप देखें कि आप वो क्या कर सकते हैं, क्या कहते वो, अगर वो कहते हैं कि आप अपना एडमिशन डेफर करा के नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर ले लें, तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को स्केड्यूल करें, बट ये आप यूनिवर्सिटी को ज़रूर बताएं अपनी सर। या फिर आप एक और काम करें, आप मिगरी को भी ये चीज़ बताएं कि मेरी क्लासेस तब से स्टार्ट है और मुझे अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल रही है, सॉरी, तो वो शायद फिर आपके लिए कुछ कर सके। सलमान भाई सलाम भाई, वालेकुम सलाम सर। पाँच सलमान खान ने पूछा, चाहिए 5 जून को हमारा इंटरव्यू हुआ था, मेरी वाइफ का डिसीजन टाइम से आ गया था, मेरे और मेरे बेटे का डिसीजन 11 जुलाई को इन प्रोग्रेस में चला गया था, बट अभी तक डिसीजन नहीं आया। डू यू हैव एनी अपडेट अबाउट फैमिली? हाँ, फैमिली डिसीजन लेट हो रहे हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि ये 7 आते थे, बट आजकल इन्होंने स्टूडेंट्स का पहले दे देते हैं, फिर उसके बाद स्पाउस। और अच्छा, एक प्रोसेस में चला गया है तो इसका मतलब है आ जाएगा। 11 जुलाई को आपका डिसीजन इन प्रोसेस गया है, आज हो गई है तकरीबन 15 अगस्त, तो ये थोड़ा सा इशू है कि आपको वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट ये कि मैं किसी लोगों को जानता हूँ ऐसे ही जिनके हस्बैंड फिर यहाँ पे आ गए, क्योंकि वाइफ को स्पाउस वीज़ा पे लेके आ रहे थे, बट उनकी वाइफ जो है वो अभी भी इन प्रोसेस में ही, उनका वो चल रहा है, तो ये चल रहा है थोड़ा सा। तो अभी कोई अपडेट्स नहीं है भाई, बट ये कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, बट ये आ जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। अच्छा जी, अली जफ़र, आज तो सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अली जफ़र, सलमान खान। भाई स्पाउस आ रहा हूँ फिनलैंड, हमें कुछ गाइड करें, प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है लेकिन जॉब को देखकर परेशान हूँ। यार ये तो है, ठीक है, सही बात है आपकी बिल्कुल, कि जॉब्स की वजह से थोड़ी परेशानी आपको शायद उठानी पड़ जाए, बट ये कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके काम करवा ही देगा। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया करिए, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अलग तरह की, स्पेसिफिक तरह की, क्योंकि ये कमेंट्स के अंदर फिर मेरा ना कमेंट्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब पूरा पूरा कमेंट मैं टाइप नहीं कर सकता, फिर आप तो वीडियो देखें आप, तो अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी लिहाज से चाहिए तो वो फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम वीडियो के ऊपर आ रहा होता है, मतलब ऐड कदीर एजम मेरे बिल्कुल जब वीडियो स्टार्ट होती है इनर उसमें इंट्रो में, तो वहाँ पे आ रहा होता है। शेर अली ने कहा कि ब्रो अब वीडियो इस बात पर बनाए, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनका वीज़ा लेट क्यों हो रहा है, क्या रिजेक्शन नहीं है? ठीक है, रिजेक्शन अभी किसी की भी नहीं आई है मेरे पास, लेट हो रहा है, और लेट होने की वजह यही है कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी तो फिर भी सही होना स्टार्ट हो गया है, लोगों के डिसीजन आना स्टार्ट हो गए हैं। स्वीडन में जॉब सिचुएशन कैसी है? स्वीडन के बारे में मुझे इतना नहीं पता, बट मैंने सुना है कि अभी ऑलमोस्ट थोड़ी वहाँ पर भी जो है 50-50 ही चल रहा है। अबीर आसिफ, कोई आइडिया है जैन इंटेक्स स्वीडन यूनिवर्सिटी के रिप्लाई का? स्वीडन का मुझे कोई आइडिया नहीं, वहाँ पे कब तक रिप्लाई आते हैं आपके भाई। सलाम भाई, सिम के बारे में बता दे, कौन सी लेनी चाहिए? गुड, अच्छा सवाल है। सबसे पहले जब भी आप फिनलैंड उतरेंगे वो कोशिश करेंगे कि आप प्रीपेड सिम नहीं लेंगे, पोस्ट पेड सिम लेंगे। प्रीपेड सिम के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, एक तो वो आपके नाम पर नहीं होती है, ठीक है, दूसरा अगर वो मिसप्लेस हो जाती है तो वो सेम नंबर आपको नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। पोस्ट पेड सिम का ये होता है कि वो आपके नाम पे रजिस्टर हो जाती है, कहीं पे भी फेंक दे, कहीं पे भी कुछ कर दे, आपको वो दोबारा सिम मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप प्री पेड सिम जो होती है वो आप का नंबर सेम, मतलब दूसरे नेटवर्क पे नहीं जा सकते, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो नंबर चेंज हो के जोंग पे चला जाता है, यू फोन पे चला जाता है, टेलीनॉर पे चला जाता है, इस तरह से। तो इसी तरह से फिनलैंड में सिर्फ वो पोस्ट पेड सिम के साथ होता है, आपका नंबर सेम रहेगा, नेटवर्क चेंज हो जाएगा, विच इज़ गुड, मतलब आपको कभी अगर DNS या प्रॉब्लम हो रही है तो तेलिया चले जाए, तेलिया से हो रही है तो एलिसा चले जाए, एलिसा, ये 3-4 हैं, DNA, तेलिया, एलिसा, मेरे पास इस वक्त DNA है पोस्ट पेड सिम है मेरे पास, अगर मैंने गलती से प्री पेड ले ली थी बट फिर वो मैं सब जगह अपना नंबर दिया फिर उसके बाद पोस्ट पेड ली, तो कोशिश ये करें कि जो लोग भी आ रहे हैं वो सबसे पहले ही पोस्ट पेड सिम ले लें, प्रीपेड सिम की तरफ ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो ये थे सारे सवाल, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और नए व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।